और दूसरा से, मतलब आपने जो कुछ भी सुना आपने उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में बता दिया। ये क्या है? हियर से एविडेंस है, यानी व्हाट अ पर्सन हैज हर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन ही स्टेटेड द सेम थिंग इन द कोर्ट। यही क्या है? हियर से एविडेंस है। एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एविडेंस के बारे में बात करने वाले हैं वो है हियर से एविडेंस। अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात किया था, जिसमें हमने ये जाना कि कुल 9 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस हैं। उन 9 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस में हमने हियर से एविडेंस के बारे में बात किया था, और उसी लेक्चर सीरीज में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसे भी समझा था। जैसे हमने बात किया था डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस डिटेल में नोट्स के साथ केस लॉज के थ्रू। हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के बीच डिफरेंसेस को अच्छे से समझा था नोट्स के साथ। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हियर से एविडेंस के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, जिसमें हम हियर से एविडेंस को अच्छे से समझेंगे विथ नोट्स, एग्जांपल्स एंड केस लॉज। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, अगर आप उन वीडियोस को फॉलो करते हो, उन्हें देखते हो, तो एविडेंस लॉ का कोई सा भी पेपर आ जाए आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। चलिए आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हियर से एविडेंस से किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करो और उसके बाद हम इसे समझेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर से एविडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर से एविडेंस। आगे व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीजंस हैं फॉर नॉट एडमिटिंग हियर से एज एन एविडेंस, व्हेन हियर से एविडेंस इज एडमिशिबल। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज हियर से एविडेंस, व्हाई इज सच एविडेंस जनरली नॉट एडमिटेड, स्टेट द एक्सेप्शंस इफ एनी। और तीसरा, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस कॉमेंट, स्टेट द रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ हियर से एविडेंस, मेंशन द एक्सेप्शन इफ एनी व्हेन इट इज एडमिटेड एंड गिव रीजंस फॉर इट्स एडमिशन। तो ये तो था कि किस तरह से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एविडेंस से पूछे जाते हैं, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हम समझेंगे भी इसी प्रकार से कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। चलिए देखो, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को पढ़ा था तो हमने ये जाना कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। पहला, एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। जो भी एविडेंसेस कोर्ट में लाए जाएंगे, दोज एविडेंसेस मस्ट बी रिलेटेड, मस्ट कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। वो एविडेंसेस
मैटर इन इशू या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होने चाहिए, यानी हम केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही कोर्ट में ला सकते हैं। दूसरा, एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू ब्रिंग बेस्ट एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को कोर्ट में लाएं। हम जानते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर हमने लेक्चर अटेंड किया है, जिसमें हमने ये जाना कि प्राइमरी एविडेंसेस मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एविडेंसेस। तो बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस का मतलब ये है कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम प्राइमरी एविडेंसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करें। तीसरा ये है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस के जो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस। हियर से एविडेंस एक एविडेंस नहीं है। हियर से एविडेंस जनरली नॉन एडमिशिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ एविडेंस, जिसमें जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हियर से एविडेंस कोई एविडेंस नहीं है। अब देखो, याद करो जब हमने अपने दूसरे लेक्चर में एविडेंस क्या है उसे समझा था, तो हमने ये जाना कि लॉ ऑफ एविडेंस या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहीं भी वर्ड एविडेंस को डिफाइन नहीं करता है। द वर्ड एविडेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो एविडेंस के मीनिंग को इंटरप्रेट करता है और ये कहता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स दो चीजें, पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस से हमारा क्या मतलब है, आइए पहले समझ लेते हैं। तो सेक्शन 3 जो कि बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यहीं पे एविडेंस के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है और ये कहता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स पहला स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। देखो, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस से मतलब ये है उन सभी पर्सन्स का स्टेटमेंट जिन्हें कोर्ट परमिट करता है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो एज विटनेस और ओरल स्टेटमेंट्स दें इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू और मैटर इन इशू। तो उन सभी पर्सन्स का जो स्टेटमेंट होगा जो वो ओरली देंगे इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस हैं, वो ओरल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस का मतलब ओरल एविडेंस और दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फैक्ट को हम दो वेज में प्रूव कर सकते हैं। वी कैन प्रूव एनी फैक्ट इन टू वेज या थ्रू टू वेज, एक ओरल एविडेंस के थ्रू और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू।
स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस का मतलब है उन सभी पर्सन्स का स्टेटमेंट ओरली जिन्हें कोर्ट परमिट करता है कि वो आए कोर्ट में प्रेजेंट हो और अपना टेस्टिमोनी दे इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू और मैटर इन इशू। ठीक है, ओके। तो हमने ये जाना कि किसी भी फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं दो वेज में, या तो हम स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस यानी ओरल एविडेंस के थ्रू उस फैक्ट को प्रूव करें, या दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, अच्छा, जब हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस को समझा था तो उसमें हमने ओरल एविडेंसेस के बारे में बात किया था। तो ओरल एविडेंसेस क्या है, अभी हमने समझा कि वो सभी पर्सन्स के स्टेटमेंट ओरली जिन्हें कोर्ट परमिट करता है कि वो प्रेजेंट हो कोर्ट में और अपना टेस्टिमनी दे ओरली इन रिलेशन टू फैक्ट एंड इशू, उन सभी पर्सन्स का जो ओरल टेस्टिमनी होगा उसे हम कहेंगे ओरल एविडेंसेस। क्लियर, चलो। अब देखो चैप्टर 4 सेक्शन 59 एंड 60 डील करता है ओरल एविडेंसेस के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का चैप्टर 4 सेक्शन 59 एंड 60 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू ओरल एविडेंसेस। क्लियर, तो ओरल एविडेंस क्या है हमने समझा था। अब सेक्शन 60 ये कहता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंसेस सभी केसेस में डायरेक्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसे भी हमने जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस को पढ़ा था तो उसमें हमने ये जाना कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। चलिए आपके नॉलेज के लिए मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। डायरेक्ट से क्या मतलब है, डायरेक्ट से मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट था विच कुड बी सीन जिसे देखा जा सकता था, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस, तो उसे हम विटनेस का एविडेंस तब मानेंगे जब विटनेस खुद ये बात कहे कि उसने पर्सनली अपनी आंखों से उस फैक्ट को देखा था, ऑब्जर्व किया था। अगर कोई फैक्ट है जिसे सुना जा सकता था तो उसे हम विटनेस का स्टेटमेंट या विटनेस का एविडेंस तब मानेंगे जब वो ये कहे कि उसने उस पर्टिकुलर फैक्ट को अपनी कानों से सुना था। और तीसरा कहता है कि अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय सेंसेस, एक फैक्ट जिसे परसीव किया जा सकता हो थ्रू सेंसेस, तो उसे हम विटनेस का एविडेंस तब मानेंगे जब वो ये कन्फर्म करे कि हाँ उसने उस चीज़ को परसीव किया था अपने सेंसेस के थ्रू। इन द सेम मैनर जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं दूर एक पर्टिकुलर पर्सन मान लो ही वॉज स्टैंडिंग, अचानक से जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एक तेज आवाज आती है और ये डर के उस डायरेक्शन में भागता है जहां से इसे आवाज आती है। जब ये यहां पे पहुंचता है तो
तो इसे चारों तरफ आग दिखाई देता है, इसे चारों तरफ धुआं दिखाई देता है। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ही वॉज द पर्सन जिसने इस इंसिडेंट को परसीव किया अपने सेंसेस से डायरेक्टली। तो ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट था जिसे देखा जा सकता था तो विटनेस ये कहे कि उसने उस फैक्ट को अपनी आंखों से देखा है, तभी हम उसके उस टेस्टिमनी पे बिलीव करेंगे, उसे हम एडमिशिबल मानेंगे। अगर कोई फैक्ट था जिसे सुना जा सकता था, तो जब तक वो ये नहीं कहता है कि उसने उस चीज़ को अपने कानों से सुना, तब तक हम उस पर बिलीव नहीं, तब तक हम उसके टेस्टिमनी को एडमिशिबल नहीं मानेंगे। और तीसरा, इफ अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय सेंसेस मस्ट बी परसीव्ड बाय विटनेस इन द सेम मैनर। ठीक है, ओके। अब देखो, तो हियर से एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंसेस का ही एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एक तरफ जहां सेक्शन 60 ये कहता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, हियर से एविडेंस इनडायरेक्ट होता है, राइट? इसलिए आप ये कह सकते हो कि हियर से एविडेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ओरल एविडेंसेस बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्ट। कैसे, उसे अभी हम समझते हैं। देखो, अभी तक हमने ओरल एविडेंसेस के बारे में क्यों बात किया? क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, देखो ये मेरे पास पेपर है LLB 5th सेमेस्टर का, लॉ ऑफ एविडेंस का, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। इसमें देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट, एक्सप्लेन द एम्बिट ऑफ दिस रूल एंड एक्सेप्शंस इफ एनी। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इस नियम का विस्तार बताइए, और यदि कोई है तो अपवाद भी दीजिए। तो भाई, ओरल एविडेंसेस क्यों डायरेक्ट होते हैं? ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है, और इसके एक्सेप्शंस अगर हैं तो उन्हें बताइए। इसलिए अभी तक का जो भी डिस्कशन रहा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर करता है। आइए अब हम बात करेंगे हियर से एविडेंस के बारे में। व्हाट इज हियर से एविडेंस? तो ओरल एविडेंसेस और हियर से एविडेंसेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हियर से एविडेंस भी क्या है, एक फॉर्म है ओरल एविडेंस का, लेकिन ये एक्सेप्शन है ओरल एविडेंस का। चल अब हम बात करेंगे हियर से एविडेंस के ऊपर। तो वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। चलो देखो, हियर से एविडेंस क्या है? एक है हियर और दूसरा से, मतलब आपने जो कुछ भी सुना आपने उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में बता दिया, ये क्या है, हियर से एविडेंस है। यानी व्हाट अ पर्सन हैज हर्ड from another person he stated the same thing in the court। यही क्या है, हियर से एविडेंस है। ठीक है, ओके। अब चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैंने अपने एग्जाम में बनाया है। देखो, जो एक्सप्रेशन हियर से है उसे हम वेरियस सेंसेस में समझ सकते हैं।
हियरसे एविडेंस, जिस तरह से एविडेंस को इस पर्टिकुलर एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, उसी तरह से हियरसे एविडेंस को भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट जूरिस्ट ने किस तरह से हियरसे एविडेंस को डिफाइन किया है अपने अपने वर्ड्स में। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे आप समझोगे भी और आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो ये एफर्ट्स आपको, मैं अगेन बार बार कहता हूँ, अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। देखो सबसे पहले, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको दूसरे वीडियोज ना देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीफन कैसे डिफाइन करते हैं हियरसे एविडेंस को, फिर हम बात करेंगे टेलर किन वर्ड्स में हियरसे एविडेंस को डिफाइन करते हैं, टेलर किन वर्ड्स में हियरसे एविडेंस को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम बेस्ट किस तरह से अपने वर्ड्स में हियरसे एविडेंस को डिफाइन करते हैं उसे समझेंगे। तीन जूरिस्ट हैं, तीनों के अपने अपने डेफिनेशन है, उन्हें समझेंगे। स्टीफन कहते हैं कि समटाइम्स इट मीन्स व्हाट अ पर्सन इज हर्ड ही सेड। स्टीफन कहते हैं कि हियर से एविडेंस का मतलब है कभी कभी जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ सुनता है, वो उस चीज को कहता है कोर्ट में, तो वो क्या है, हियर से एविडेंस है। या कभी कभी इट मीन्स व्हाट अ पर्सन डिक्लेयर्स ऑन इंफॉर्मेशन, एक पर्सन जिन भी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अनदर पर्सन, वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिया गया रहता है। तो इसमें आप लिखोगे, स्टीफन कहते हैं हियर से एविडेंस समटाइम्स इट मीन्स, समटाइम्स देखो इट मीन्स व्हाट अ पर्सन हैज हर्ड, व्हाट अ पर्सन हैज हर्ड ही सेड, एंड समटाइम्स इट मीन्स व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन declares on information it is given by someone else। ठीक है, तो ये है hearsay evidence। अच्छा, in the words of Taylor, Taylor कैसे hearsay evidence को define करते हैं। देखो Taylor कहते हैं all the evidences which does not derive its value, Taylor कहते हैं कि all the evidences which does not derive its value solely from the credit given to witness himself but which also rests in part upon the veracity का मतलब होता है authenticity, but which also rests in part upon the veracity and competency of other person। आइए इसे हम समझते हैं। hearsay evidence का मतलब है कि आपने किसी person को कुछ कहते हुए सुना और आप उस कहे हुए चीज को एज अ विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट करते हो, ये क्या है, हियर से एविडेंस है।
लॉ ऑफ एविडेंस का जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। क्यों? देखो, मान लो ये है पर्सन ए, इसने कुछ कहते हुए सुना पर्सन बी से, और उस कहे हुए चीज को इसने कोर्ट में प्रेजेंट किया। देखो, अब टेलर कहते हैं कि ऑल द एविडेंसेस, वो सभी एविडेंसेस विच डज नॉट डिराइव इट्स वैल्यू, जो अपने वैल्यू को डिराइव नहीं करता हो, सोलली फ्रॉम द क्रेडिट गिवन टू विटनेस हिमसेल्फ, यानी जो भी फैक्ट, जो भी बातें मिस्टर ए ने कोर्ट में बताया, उस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सोलली इन्हें नहीं जाता है। इस इंफॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है अपॉन द वेरासिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ अदर पर्सन। ये क्या है? ये है हियर से एविडेंस। तो एक ऐसा एविडेंस जो अपने वैल्यू को सोलली विटनेस से डिराइव ना करता हो, बल्कि इस पर्टिकुलर एविडेंस का जो वैल्यू है वो दूसरे पर्सन या ओरिजिनल डिक्लेरेंट के कॉम्पिटेंसी या वेरासिटी पे डिपेंड करता हो, वो है हियर से एविडेंस। क्लियर है? चलिए अब देखो, बेस्ट कैसे हियर से एविडेंस को डिफाइन करते हैं। देखो, ये कहते हैं कि एविडेंस विच अ विटनेस इज मेयरली रिपोर्टिंग, वो एविडेंस जिसे जो विटनेस है वो केवल रिपोर्ट करता हो, कोर्ट पे लाके प्रेजेंट करता हो, राइट? वो एविडेंस जिसे विटनेस ने ना ही देखा है ना ही सुना है, एंड विच हैज नॉट कम अंडर इमीडिएट ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन बॉडी सेंस, और वो एविडेंस जिसे विटनेस ने अपने ओन बॉडी सेंस के थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्व या इमीडिएट ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन व्हाट ही हैड लर्न्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट, उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में उसे जो कुछ भी पता है, उसने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है किसी थर्ड पर्सन से, वो क्या है? हियर से एविडेंस है। क्लियर? चलिए एक बार और हम इसे समझते हैं। So in the words of Stephen, sometimes it means what a person has heard he said, sometimes it means what a person declares on it is given by someone else. Taylor कहते हैं कि all the evidences which does not derive its value solely from the credit given to witness himself, but which also rests in part upon the veracity and the competency of other person, right? तो ये टेलर और स्टीफन हो गए। अब बेस्ट को हम एक बार देख लेते हैं। देखो, तो बेस्ट क्या कहते हैं? बेस्ट कहते हैं कि एविडेंस विच अ विटनेस मेयरली रिपोर्टिंग, evidence which a witness has not seen, evidence which witness has not seen, heard, evidence which has not come under immediate observation, evidence which has not come under which has not come under
immediate observation. Immediate observation of his own body sense, of his own body sense. आगे आप देखोगे, but what he had learned in respect of fact, उसे उस particular fact के बारे में जो भी information पता है, वो information उसे किसी third person के माध्यम से पता चला है, तो वो क्या है? Hearsay evidence. तो आगे आप लिखोगे, what he had learned in respect of fact through medium of third person known as hearsay evidence. ठीक है, चलो अब देखो, देखो ये जो नोट्स हैं वो किसी भी पेड कोर्सेज से कहीं बेहतर है, तो आप पेड कोर्सेज के चक्कर में ना पढ़ो, नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप लेक्चर देखो, समझो और ट्राई करो खुद से नोट्स बनाने की, नहीं तो मैं तो नोट्स आपको दे ही रहा हूँ. ठीक है, देखो जो हियर से एविडेंस है वो अप्लाइड होता है वॉइडर सेंस में एंड इट इंक्लूड्स. तो हियर से एविडेंस अप्लाइड होता है वॉइडर सेंस में एंड इट इंक्लूड्स. आगे आप लिखोगे, हियर से एविडेंस हैज बीन अप्लाइड इन वॉइडर सेंस एंड इट इंक्लूड्स. तो हियर से एविडेंस में क्या क्या आएंगे, देखो पहला कहता है ओरल और रिटन स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन. पहला ओरल और रिटन स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन ओरल और रिटन स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हु आर नॉट पार्टी And cannot be called as witness. देखो पहला ये कह रहा है कि जो हियर से एविडेंस है वो अप्लाई होता है वॉइडर सेंस में एंड इट इंक्लूड्स. पहला कहता है ओरल या रिटन स्टेटमेंट्स मेड बाई अ पर्सन, उस पर्सन के द्वारा ओरल या रिटन स्टेटमेंट्स दिया जाना, who are not party to proceedings, जो कि क्या है, party to the proceedings नहीं है, जिसे हम witness के तौर पे नहीं बुला सकते हैं. तो वो person जिसे हम witness के तौर पे नहीं बुला सकते हैं, जो party to proceedings नहीं है, वो person अगर कोई oral या कोई written statements देता है तो वो क्या है, hearsay evidence. अभी हम केस लॉज को जब समझेंगे तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने यही जाना था कि एक पर्सन जो किसी को कुछ कहते हुए सुन रहा है वो उस चीज को, यही पर्सन उस चीज को कोर्ट में बता रहा है, इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट दोज फैक्ट्स इन द कोर्ट. तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि ओरल या रिटन स्टेटमेंट्स मेड बाई अ पर्सन जो कि पार्टी टू प्रोसीडिंग्स नहीं है और जो विटनेस के तौर पे नहीं आ सकता इन द कोर्ट, उसके उस ओरल या उस रिटन स्टेटमेंट को हम हियर से एविडेंस मानेंगे. दूसरा कहता है स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एनी बुक, किसी बुक में कोई स्टेटमेंट है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ इज नॉट एडमिशिबल ऑन अदर ग्राउंड्स, वो क्या है, हियर से एविडेंस. क्या कहा गया, दूसरा क्या है,
दूसरा क्या है? दूसरा है स्टेटमेंट कंटेंड इन एनी बुक, स्टेटमेंट कंटेंड इन एनी बुक या डॉक्यूमेंट, जिस स्टेटमेंट का प्रूफ, प्रूफ ऑफ विच इज नॉट एडमिशिबल ऑन अदर ग्राउंड्स, वो क्या है? हियर से एविडेंस. ठीक है, ओके. अब व्हाट इज द जनरल रूल फॉर हियर से एविडेंस? हियर से एविडेंस को लेकर के जनरल रूल क्या है लॉ ऑफ एविडेंस में? व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीजंस हैं जिनके वजह से हम हियर से एविडेंस को एडमिशिबल नहीं मानते हैं इन द कोर्ट, उसे समझेंगे. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिए. चलिए, जनरल रूल फॉर हियर से एविडेंस या इसी में हम बात करेंगे रीजंस फॉर नॉट एडमिटिंग, रीजंस फॉर नॉट एडमिटिंग हियर से एज एन एविडेंस. ठीक है, चलो देखो, हमने जब स्टिपन के डेफिनेशन को देखा तो हमने ये समझा कि व्हाट अ पर्सन हैज हर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन, ही स्टेटेड द सेम थिंग इन द कोर्ट, या व्हाट अ पर्सन डिक्लेयर्स ऑन इंफॉर्मेशन इट इज गिवन बाय समवन एल्स, क्या है? हियर से एविडेंस है. अब देखो, इस पर्टिकुलर पर्सन ए ने बी से जो कुछ भी कहते हुए सुना, वॉट एवर पर्सन ए हैज हर्ड फ्रॉम बी, और वॉट एवर पर्सन ए डिक्लेयर्स ऑन इंफॉर्मेशन इट इज गिवन बाय मिस्टर बी. हम जानते हैं कि हियर से एविडेंस में जिस पर्सन के मुंह से कुछ सुना जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो जो ओरिजिनल डिक्लेरेंट है वो विटनेस के तौर पे कोर्ट में नहीं आ पाता है. राइट, इसके द्वारा दिया गया कोई भी रिटन या कोई भी ओरल स्टेटमेंट हियर से एविडेंस माना जाता है. अब देखो, इसने जिन भी चीज़ों को, जिन भी फैक्ट्स को कहा, क्योंकि ही कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो यानी इसका क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल. क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी इसने जिन भी फैक्ट्स को कहा उन फैक्ट्स के ऑथेंटिसिटी को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज ही कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. तो यहाँ पे इसने जिन भी फैक्ट्स को बोला उसके, उन फैक्ट्स के ऑथेंटिसिटी, उन फैक्ट्स के वेरोसिटी, उन फैक्ट्स के रिलायबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन है. इसलिए हियर से एविडेंस एडमिशिबल नहीं माना जाता है इन द कोर्ट. क्लियर? अच्छा, दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हियर से एविडेंस डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिशिबल इन द कोर्ट. दिस इज द जनरल रूल फॉर हियर से एविडेंस. ठीक है, ओके.
तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा हियर से एविडेंस को लेकर के, क्या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हियर से एविडेंस रेफर्स टू अ टेस्टिमनी? हियर से एविडेंस क्या है? टेस्टिमनी है, ये एक गवाही है. सो व्हाट इज हियर से एविडेंस? हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ टेस्टिमनी. ये क्या है? टेस्टिमनी है. It is a testimony that is provided by a witness. So testimony which is given by witness, which is not based on any personal communication, which is not based on any personal communication. पर्सन ने जो कुछ भी इस पर्सन को कहते हुए सुना, वही ये पर्सन इन द कोर्ट आके बोलता है. क्या इन दोनों पर्सन के बीच कोई पर्सनल कम्युनिकेशन था? नो. ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि इट इज द टेस्टिमनी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय अ विटनेस व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्सनल कम्युनिकेशन, जो किसी पर्सनल कम्युनिकेशन पे बेस्ड नहीं है. इट कुड बी समथिंग दैट अ विटनेस हैज हर्ड और वॉज टोल्ड अबाउट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, मेकिंग इट सेकेंड हैंड एविडेंस. क्लियर है? चलिए, तो आगे आप लिखोगे इट कुड बी समथिंग. तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जिसे एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कहते हुए सुना, या उसे उस चीज के बारे में दूसरे पर्सन ने कुछ कहा और उसने उस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट में कहा. तो ये क्या है? ये सेकेंड हैंड एविडेंस है, ये डेरिवेटिव एविडेंस है. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन जिन भी फैक्ट्स को कोर्ट में बता रहा है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम अनदर पर्सन. सो हियर से एविडेंस इज डेरिवेटिव एविडेंस और इट इज सेकेंड हैंड एविडेंस. तो आगे आप लिखोगे इट कुड बी समथिंग दैट अ विटनेस हैज ओवरहर्ड, मतलब किसी से सुना या उसने इसको आगे बताया, और वॉज टोल्ड अबाउट फ्रॉम थर्ड पर्सन, मेकिंग इट सेकेंड हैंड एविडेंस. ये क्या है? हियर से एविडेंस है. तो आई होप कि अब आपको हियर से एविडेंस क्या है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. चलिए, अब एक आध केस लॉस को भी हम समझ लेते हैं. चलो, तो केस है आपका जद्दू सिंह वर्सेस मालती देवी. एक केस है आपका जद्दू सिंह वर्सेस मालती देवी. देखो, इस केस में क्या था? अ विटनेस टोल्ड द कोर्ट दैट, इसमें विटनेस ने कोर्ट से कहा कि द ऑफिसर्स हु वर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, जो ऑफिसर्स स्पॉट पे प्रेजेंट थे उन लोगों ने इसे कहा कि वन जे वॉज ड्राइविंग द बस, कि जो बस चला रहा था वो जे था. तो टेस्टिमनी ऑफ विटनेस वॉज हेल्ड टू बी नॉट डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने विटनेस ने अपनी आंखों से जे को नहीं देखा था कि जे ही बस को चला रहा था.
इसने ऑफिसर्स को कहते हुए ये सुना कि जो बस चला रहा था वो जे था, क्योंकि ये जो एविडेंस है वो डायरेक्ट नहीं है, और हम जानते हैं ओरल एविडेंसेस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट सेक्शन 60 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसलिए ये जो टेस्टिमनी था विटनेस का वो एडमिशिबल नहीं था इन द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, शाम होने वाली है, दिखाई नहीं देगा फिर। इसमें आप लिख लो, अ विटनेस टोल्ड द कोर्ट दैट द ऑफिसर्स हु वर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट टोल्ड हिम दैट वन जे वॉज ड्राइविंग द बस, इट वॉज हेल्ड टू बी नॉट डायरेक्ट एंड देयरफॉर इनएडमिशिबल। ठीक है, ओके। दूसरा आपके पास केस है भुग BHUGDAMAL भुग दमल जंगराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात देखो इसमें क्या था, इसमें पुलिस ऑफिसर टेस्टिफाइड दैट एक पुलिस ऑफिसर ने गवाही दिया कि ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाई अ पर्सन अबाउट द मूवमेंट ऑफ ट्रक कैरिंग लीकर, उसे किसी अननोन पर्सन से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है कि एक ट्रक जा रहा है जिस ट्रक में लीकर है। अब क्योंकि द इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट एग्जामिन्ड, उस इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं किया गया, इट वॉज हेल्ड दैट एविडेंस वॉज नॉट एडमिशिबल। एविडेंस उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर का जो टेस्टिमनी था वो एडमिशिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं किया, जस्ट क्योंकि किसी अननोन पर्सन का कॉल आ गया, तो ये एविडेंस क्या है? इनएडमिशिबल है। ठीक है, ओके। तो इसमें आप लिखोगे, अ पुलिस ऑफिसर टेस्टिफाइड दैट ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाई अ पर्सन अबाउट द मूवमेंट ऑफ ट्रक कैरिंग लीकर, द इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट एग्जामिन्ड, हेल्ड दैट एविडेंस वॉज नॉट एडमिशिबल। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इसके हियर से एविडेंस के? देखो, हम ये जानते हैं कि जो जनरल रूल है वो ये है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, क्योंकि इसके वेरोसिटी, इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि एक पर्सन ने जो कुछ भी कहा, क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी था? और एक पर्सन जो उस चीज को कोर्ट में कह रहा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? क्या हम ये बिलीव कर सकते हैं कि उसने जो कुछ भी सुना वो उन्हीं चीजों को सेम बिना किसी अल्टरेशन के बता रहा है कोर्ट में? तो देयर इज क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी वेरासिटी ऑफ विटनेसेस एज वेल एज ओरिजिनल डिक्लेरेंट, इसलिए हियर से एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन एक्सेप्शंस को आज हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, यानी वो केसेस जहां पे हियर से एविडेंस एडमिशिबल माना जाता है। पहला है relevancy of fact forming part of same transaction जिसे हम doctrine of res gestae भी कहते हैं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया है। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि क्या है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टी कहते हैं, जो कि सेक्शन 6 में दिया गया है, वो क्या है? एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस का, यानी यहां पे हियर से एविडेंस एडमिशिबल माना गया है। तो इसे हम आने वाले लेक्चर्स में
डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम केवल एक्सेप्शन को देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है एडमिशन। एडमिशन सेक्शन 17 में दिया गया है। तीसरा क्या है? तीसरा है कन्फेशन, सेक्शन 23, सॉरी ये है सेक्शन 29, राइट ओके। फिर है डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32, और पांचवा प्रीवियस डिपोजिशन ऑफ विटनेस, प्रीवियस डिपोजिशन ऑफ विटनेस हु इज डेड और कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, और कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। सेक्शन 33, ठीक है। तो जब हम इन एरियाज को, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी आप जानो कि हियर से एविडेंस के क्या क्या एक्सेप्शन हैं। तो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टी सेक्शन 6, एडमिशन सेक्शन 17, कन्फेशन सेक्शन 29, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32, एंड प्रीवियस डिपोजिशन ऑफ विटनेस हु इज डेड और कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस सेक्शन 33, ठीक है ओके। चलो अभी दिखाई दे रहा है तो हम एक टॉपिक और बचा है उसे हम कवर कर लेते हैं। देखो व्हाट आर द ग्राउंड्स, क्या क्या ग्राउंड्स हैं फॉर नॉन एडमिशिबिलिटी ऑफ हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस के नॉन एडमिशिबिलिटी के पीछे क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से हम हियरसे एविडेंस को एडमिशिबल नहीं मानते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डिक्लेरेंट फॉर द एविडेंस नॉट गिवन ऑन ओथ और अंडर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लिख लेना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि देखो जो ओरिजिनल डिक्लेरेंट है, जिसने कोई बात कहा जिसे किसी दूसरे पर्सन ने सुना, तो क्योंकि उसने जो कहा है वो किसी ओथ के बेसिस पे नहीं कहा है, और क्योंकि उसका कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम ये कैसे बिलीव कर लें कि उसने जो कुछ भी कहा, ओरिजिनल डिक्लेरेंट ने जो कुछ भी कहा वो सही है। दिस इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ हियरसे एविडेंस। दूसरा क्या है? दूसरा है इट कैनॉट बी टेस्टेड बाई क्रॉस एग्जामिनेशन। हम उस पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो विटनेस के तौर पे कोर्ट में नहीं आ सकता है। तीसरा, हियरसे एविडेंस एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। चौथा, इट्स इनकॉम्पिटेंसी टू सेटिस्फाई द माइंड एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। ओरिजिनल डिक्लेरेंट ने किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर के जिन भी बातों को कहा, वो किसी प्रूडेंस पर्सन या कोर्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट है, यानी कोर्ट के माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, राइट। और लास्ट है, इट इज नॉट डायरेक्ट, और क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है इसलिए ये इनएडमिशिबल है। तो क्या क्या ग्राउंड्स थे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डिक्लेरेंट for the evidence not given on oath or under personal responsibility. Dusra, it cannot be tested by cross examination. Tisra, its intrinsic weakness. Or last, its incompetency to satisfy the mind as to existence of fact. Or last hai, it is not direct. Theek hai? So these are the grounds for non-admissibility of hearsay evidence. Ab dekho, हियर से एविडेंस के जो भी एक्सेप्शंस हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टी,
admission, confession, dying declaration, previous deposition of person who is dead or cannot be called as witness. मतलब वो areas जहाँ here से evidence admissible है वो depend करता है, यानी here से evidence की जो admissibility है वो depend करता है दो basis पे. तो जो exceptions हैं mainly based on two considerations, दो considerations पे based हैं, ठीक है? Okay. पहला कहता है a necessity for evidence in cases wherein no better evidence can be had. Exceptions, मैं देख लो एक बार, आपको दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, 5 मिनट बस. Exceptions are mainly based on two considerations. पहला कहता है कि necessity for evidence, necessity for evidence in case where there is no better evidence available. दूसरा कहता है circumstantial guarantee for trustworthiness, circumstantial guarantee for trustworthiness. तो जो exceptions हैं वो दो considerations पे based हैं. पहला ये है कि हमें evidence की आवश्यकता है और हमारे पास कोई other better evidences available नहीं है, तब हम here से evidence पे rely कर सकते हैं. दूसरा, जो witness है उसके ट्रस्ट वर्दिनेस को लेकर के हम श्योर हैं कि वो जो कुछ भी कहेगा वो सही बोलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन वो नहीं करेगा. तो इफ देयर इज सर्कमस्टांशियल गारंटी फॉर ट्रस्ट वर्दिनेस तो हम हियर से एविडेंस को एडमिशिबल मान लेंगे, ठीक है? तो ये था हियर से एविडेंस, जिसे हमने डिटेल में विथ नोट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करी. तो अगर ये वीडियो आपकी किसी भी तरह से हेल्प करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा रीच बढ़े, चैनल का ग्रोथ हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.